एएनपी तरफा सदारती इलेक्शन में आसिफ अली ज़रदारी की हिमायत का ऐलान। आसिफ अली ज़रदारी से एएनपी खबर पख्तूनख्वा के सदर अमल वली खान की मुलाकात। अगूरे सदर आसिफ अली ज़रदारी अमल वली खान में सियासी सूरत हाल से गाल। सदारती चूंडन लाए आसिफ अली ज़रदारी महमूद खान चकज़ई जा नामजदगी कागज जमा। फारूक नायक सलीम मांडवीवाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आसिफ अली ज़रदारी जा नामजदगी कागज जमा कराए छा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक नामजदगी कागज वसूल कया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तरफा लतीफ कोसा उमर अयूब महमूद खान चकज़ई जा नामजदगी कागज जमा कराया। सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह आसिफ अली ज़रदारी की सदारती उम्मीदवार तौर नामजदगी कागज जमा कराए छा। वो वजीर पीपी अखबारों में सारकोड़ो शर्जील मेमण नादिर मक्सी बन सिंध हाईकोर्ट पहुंचो। नामजदगी फॉर्म सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद बासी वट जमा कराया वह। पीपल्स पार्टी नून लीग समेत इतिहादन की सदारती उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचक के विच में 9 मार्च से मुकाबलो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पारा बलूचिस्तान के गुम चल मानू की गोल्हा लाए पार्लिमानी कमेटी ठाण जो ऐलान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मिसा की मुफाहमत लाए समूरन जमातन के दावत। मिसिंग पर्सन जहां मसला हल करने की कोशिश कदासी पर पुरमन एहतजाज कर सभी को हक है। इस्लामाबाद में वेठल मांग के बलूचिस्तान के मसलन की खबर ना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज मुफ्ती गवादर जो दौरो कर चल नुकसान को अजालो कर हिदायत चवे तो। गवादर में बरसात सबब घो नुकसान थो है। वो वजीर सरफराज मुफ्ती पो पों दौरों गवादर जो करे कोशिश होंगी तो नेशनल एक्शन प्लान तहत दहशतगर्दी जो मुकाबलो कंदासी। असा मुफाहमती सोच से बलूचिस्तान में हुकूमत हलाइंदासी। वजारत उज़्मा लाए शहबाज शरीफ और उमर अयूब जहा नामजदगी कागज जमा कराया वह। इसहाक डार खुर्शीद शाह तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी कौमी असेंबली वट शहबाज शरीफ जहा नामजदगी कागज जमा कराया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब जहा भी नामजदगी कागज जमा कराया वह। जांच पड़ताल अजी मुकम्मल थी। सुभाने तहाली जमात के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब विच में मुकाबलो। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी जहा कागज जमा कराया। सदारती चूंडन में एमक्यूएम का भी वोट वी अली अहमद गंडापुर के खिताब में मालूम थे तो संदस पार्टी की गाइडलाइन कड़ी है। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो पीपी अगवान अब्दुल अजीज जुनेद के लाडाने के वारसन से ताजियत कर बाद मीडिया से गालू चवे तो पीपी ए नवाज लीग जो आसिफ अली ज़रदारी गडल सदारती उम्मीदवार है जो जमातों साथ दियन। आसिफ अली ज़रदारी मुल्क जो बीहर सदर थो आम चूंडन में एमक्यूएम कराची हैदराबाद में पीपी के खदशा है सिस्टम के पटड़ी तां लहण लड़ींदासीं। सरफराज बुगटी बलूचिस्तान जो वो वजीर चूंढी वो। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरफराज बुगटी 65 मेंबर के एवान में 41 वोट खड़ी बलूचिस्तान जो वो वजीर चूंढी वो। जमात इस्लामी के अब्दुल मजीद बादीनी हकदो तहरीक के मालिक हिदायतुर रहमान सरफराज बुगटी की हिमायत में वोट दिनों। जेयूआई नेशनल पार्टी वोटिंग में हिस्सों न वरतो। बलूचिस्तान के नए वे वजीर सरफराज बुगटी गवर्नर हाउस कोयटा में हलफ खड़ी वरतो। बलूचिस्तान के नए चूंढल वे वजीर जबलन के वेठल मांग के कौमी धारा में शामिल थे जो मशवरो दे छो। सरफराज बुगटी चवा तो पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी वाली सूरत हाल है। बलूचिस्तान वन चैलेंजेस के मुंह दे रो है। पीपल्स पार्टी मुल्क के दुखियान में कढ़ी सके थी। इन वक्त मुफाहमत की सियासत की जरूरत है। जबलन के वेठल मू मुखधारा का हिस्सों बढ़जन।
मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में ईंदड़ 48 कलाकन दौरान तेज बरसात का इम्कान है। मौसमियात खाते जो चवण है तो बरसात जो सबब बढ़ मौसमियाती सिस्टम मुल्क के ओलह दक्षिण इलाकों में बरसात पहुंचने वो है। कुछ हंधन से धारी और जाबलू इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। मौसमियात खाते मूजिब ईंदड़ 12 से 24 कलाकन में मुल्क के उतरे इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू और कश्मीर, पंजाब के विचोलन और मथन इलाकों में बरसात पड़ सके थी। एन डी ए में मौजूदा बरसात का ईंदड़ बरसात का सिलसिलो 5 से 7 मार्च के विच में शुरू थे की भी वार्निंग दी छी। कराची प्रेस क्लब तरफा बहार की मौसम में बिन्हीं वारी गुलन की नुमाइश, सियासी समाजी साथ ने परडे की शिरकत। उन्होंने चवण है घुटाई बूसट वे माहौल में रंगारंगी गुल ऐसी दिल बहकी पवे थी।